नागपुर शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 9 घरफोड़ी के मामले उजागर किए हैं। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वही एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। नागपुर शहर में घरफोड़ी की वारदातें बढ़ रही है और पुलिस विभाग भी इस मामलों की जाँच कर रही है। इसी श्रृंखला में क्राइम ब्रांच यूनिट टीम ने शहर के अब्बासरी, जरीपटका, बजाज नगर, कपिल नगर, धनतोली, बेलतरोडी, अजनी थाना क्षेत्र में हुए घरफोड़ी मामलों का पर्दाफाश किया है। इन मामलों में शामिल शातिर चोर योगेश उर्फ लकी शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जरीपटका और कपिल नगर थाना क्षेत्र में हुए घरफोड़ी में लकी शाह के साथ शामिल यवतमाल निवासी शुभम उर्फ पांड्या ठाकरे यह फरार है। वहीं धनतोली थाना क्षेत्र में हुए घरफोड़ी चोरी का सामान खरीदने वाले चंदाबाई देवगड़े और राकेश शाहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 3,94,186 रुपए का माल जब्त किया है। आगे की जाँच चल रही है। दिनांक 30/4/2024 रोजी पेट्रोलिंग दरम्यान गुप्त बातमीदारांना माहिती दिली की रेशीमबाग ग्राउंड जवळ लक्की शाहू रेकॉर्डवरील आरोपी हा त्याच्या गाडीवरती बसून आहे। लक्की शाहू मागील काही दिवसापासून वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये चोरी करून त्यामधून फरारी असल्याची आमच्याकडे पूर्व माहिती होती। आम्ही त्यास ताब्यात घेऊन त्याला विचारपूस केली असता त्यांनी शहरातील जरीपटका, कपिल नगर, अंबाझरी, बजाज नगर, अजनी, बेलतोडी व धनतोली येथील एकूण 9 गुन्हे केले असल्याचे सांगितले। नमूद आरोपीकडून एकूण 3,83,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आले आहे व आरोपीकडून एकूण शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्याचे 9 गुन्हे उघडकीस आणले आहेत। पुढील कारवाई करता त्यास अंबाझरी येथे देण्यात आले आहे। जरीपटका येथील गुन्ह्यामध्ये त्याचा साथीदार शुभम ठाकरे हा याचा शोध सुरू आहे। याने चोरीमध्ये नवीन बांधकामाच्या ठिकाणाचे वायरचे बंडल चोरलेले होते। त्याच्यावरती कमीत कमी 50 आसपास गुन्हे आहेत। सर्व गुन्हे वायर चोरीचे आहेत शहरातील। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।